तो हमारे ट्रेन मैन पावर, चाहे वो गाइड्स हों, चाहे हॉस्पिटैलिटी के लोग हों, वो कहीं पर उसमें कोई कमी ना रह जाए, उसमें वो लोग काफी काम कर रहे हैं। और इससे इससे मुझे लगता है कि वो देश काफी इसका फायदा उठाएगा। और मुझे जितना एक वो भारत का जितना वो अतिथि देव भव का जो हमारा एक जी इनहेरेंट एक वैल्यू सिस्टम है, वो उसको पूरी दुनिया इंतजार कर रही है उसको एक्सपीरियंस करने का। और बिल्कुल, जैसे डेडिकेटेड हमारा मेट्रो लाइन पर अभी इस वक्त आप देखिए मेट्रो कर्मियों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? शैलेंद्र, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? ये कुछ देर पहले की बिल्कुल मुलाकात की अजय, तस्वीरें हैं। तो मैं आपसे समझना यही चाह रहा था कि मेट्रो कर्मियों से भी मिल रहे हैं प्रधानमंत्री, हम सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, और डेडिकेटेड लाइन जो कि 21 और 25 द्वारिका के सेक्टर को जोड़ती है, कितनी कितनी बड़ी सौगात है द्वारिका के लिए, कितनी बड़ी सौगात है देश के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का विस्तार हुआ है, और जो भी यशोभूमि आना चाहेंगे उन्हें आसानी से वो आ सकते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं वहां से आ सकते हैं, या फिर नई दिल्ली से। दूसरी बात यह है कि नई दिल्ली से यशोभूमि आने तक का जो समय है, अभी तक आप देखें कि 21 मिनट लगता था एयरपोर्ट आने में नई दिल्ली से, लेकिन अब इसकी मेट्रो की रफ्तार भी बढ़ाई जा रही है तो यशोभूमि आने तक का समय भी घटेगा। तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो समय है वो बढ़ाया जा स्पीड रहा है। बढ़ाई जा रही है, तो अब 5 से 7 मिनट और बच जाएगा आप जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट मेट्रो से नई दिल्ली से। और यशोभूमि पहुंचने में भी आप संभावित तौर पर देखें कि जितनी देर एयरपोर्ट पहुंचने में लगता था उससे भी कम देरी में आप नई दिल्ली से यशोभूमि मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएंगे, तो ये बड़ा तोहफा है। दूसरी बात, हमें जानते हैं कि जब 21 से 25 तक ये मेट्रो विस्तार होगा, आगे हम जानते हैं कि जो नई दिल्ली की जो दूसरी मेट्रो लाइन है जी उसके जी पास भी एक तरह से देखें तो कनेक्टिविटी हो जाएगी, और पास से ही द्वारका एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, तो जो सड़क मार्ग से आना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत आसान होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जब मेट्रो एयरपोर्ट मेट्रो का विस्तार किया गया है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जगह जहाँ पर ये सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है, पहला चरण जिसको आज समर्पित किया जाना है, इसके जब आगे विस्तार होगा तो हम देखेंगे कि यहाँ हर दिन कोई ना कोई बड़ी बैठक होती रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्टूबर 2024 तक की बुकिंग हो चुकी है, जबकि पहला ही चरण आज तो उसको राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, तो जब बैठकें होंगी, सम्मेलन होंगे, बिजनेस मीटिंग होंगी, बड़े बड़े मनोरंजन के कार्यक्रम होंगे, तो बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होगी, तो उसके लिए कनेक्टिविटी का पूरा इंतजाम किया गया है, जो मेट्रो कनेक्टिविटी है या फिर रोड कनेक्टिविटी है, तो यहाँ आवाजाही बहुत आसान होगी। जैसा कि हमारे शैलेंद्र, चूंकि आप मेहमानों लगातार बार बार बता रहे हैं कि अगले साल तक की जो बुकिंग है वो हो चुकी है, तो क्या हम ये माने कि इस फैसिलिटी को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला गया है, और इसे हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का एक नायाब नमूना मान सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिहाज से भी? निश्चित तौर पर देखिए, 3 तरह की बैठकें या 3 तरह के आयोजन यहाँ पर हो, इस पूरी परिकल्पना के साथ इस यशोभूमि की परिकल्पना की गई थी। पहली जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सरकारों की के बीच जो आपस की बैठक होती है सरकार के स्तर पर, वैसे आयोजन यहाँ पर हो सके। G20 जैसे बड़े आयोजन हमने भारत मंडपम में देखे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आयोजनों के लिए ये केंद्र उभर कर सामने आएगा, जितनी यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं हैं, जितना बड़ा ये केंद्र है। दूसरी, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग हो, यानी बड़े व्यावसायिक जो बैठकें हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनियां हैं, अगर वो कोई बैठक करना चाहती हैं तो उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ इसलिए है कि कोई बहुत बड़ा मनोरंजन का कार्यक्रम होना है तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। तो आप सोचिए कि इसमें केवल सरकार के स्तर पर बड़ी बैठकें नहीं, बल्कि जो कॉर्पोरेट की बैठकें होती है बड़ी, उसकी भी व्यवस्था हो सकती है, उसके भी इंतजाम हो सकते हैं, उसके लिए पूरी परिकल्पना की गई। यही वजह है कि इतनी ज्यादा आप देखें उत्सुकता है और इतनी ज्यादा अनुरोध आ रहे हैं बुकिंग के लिए। जी प्रोफेसर अनिल कुमार, अब मैं थोड़ा सा ध्यान आपको बिजनेस ट्रैवल का जो पूरा बाजार है उसकी तरफ भी आपको ले जाना चाहता हूं, और आपसे थोड़ी देर की तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें मेट्रो के जो कर्मचारी हैं, मेट्रो में काम करने वाले जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी लगातार दिख रहे हैं। मेट्रो लाइन में जब वो सफ़र कर रहे थे तो लोग, कई बच्चे और परिवार के लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए नज़र आ रहे थे, और हमेशा से प्रधानमंत्री जब भी विकास कार्यों का जायज़ा लेते हैं
वहाँ पर जो काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं जिन्होंने उस परियोजना को बनाने में, निर्माण में योगदान दिया है, भारत निर्माण में जिन्होंने योगदान दिया है, उसके साथ अपना पर्सनल इंटरेक्शन करना नहीं भूलते, और ख़ासतौर पर वो कर्मचारी जो कि दिन रात मेहनत करके उसमें अपना खून पसीना बहा करके जो अपना योगदान देते हैं उसमें ज़रूर प्रधानमंत्री उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार, ये जो बिजनेस टूरिज्म है, बिजनेस ट्रैवल है, केपीएमजी की रिपोर्ट बताती है $30 बिलियन का इंडिया का मार्केट है, 2030 तक ये 3 गुना बढ़ जाएगा। थोड़ा सा मुझे समझाइए, अगर ऐसा होता है और शायद इस पर फोकस है और ऐसा होगा तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका फ़ायदा क्या होगा? बहुत सारे लोग इसको एलीट ट्रैवल के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन उसका इकोनॉमी के ऊपर मल्टीप्लायर इम्पैक्ट किस तरह से आप देख रहे हैं प्रोफेसर अनिल कुमार? देखिए, ये एलीट ट्रैवल मैं नहीं समझता कि एलीट ट्रैवल के रूप में इसको देखा जाए। आज हम देखते हैं कि प्रगति मैदान में जो हमारे एग्जीबिशंस होते थे, चाहे वो लेदर एग्जीबिशंस थे, टॉयज के एग्जीबिशंस थे, बुक्स के एग्जीबिशंस थे, उनको केवल और केवल 4-5 दिन या मैक्सिमम 7 दिन का समय मिलता था, क्योंकि उसके ऊपर डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इस कन्वेंशन सेंटर के खुलने से काफ़ी इस तरह के एग्जीबिशंस हमारे देश में, हमारी नई दिल्ली में हो पाएंगे, और जो नई दिल्ली में जब इस तरह के एग्जीबिशंस होंगे तो पूरे विश्व से, पूरे देशों से यहाँ पर लोग आएंगे उन एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट भी करने और वहाँ पर देखने कि यहाँ पर क्या नया प्रोडक्ट्स है, कई नई टेक्निक्स वहाँ पर एग्जीबिट हो रही है जी। उससे सबसे बड़ा जो डायरेक्ट फायदा होने वाला है, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, उससे FDI को काफी बढ़ावा मिलेगा। और सरकार की जो नीति है मेक इन इंडिया, जिसमें हम भारत में दूसरी कंपनीज को इनवाइट करते हैं कि आप यहाँ पर आइए, प्रोडक्शन कीजिए और पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोडक्शन कीजिए और एक्सपोर्ट कीजिए, तो यहाँ पर जब इस तरह की फैसिलिटीज होंगी कि